हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपका भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और अगर आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो चुका है या फिर $10 से कम है और आपको वहां पर एडसेंस में एक्शन बटन मिल चुका है, तो फ्रेंड्स आप और इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो एक मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, यानी कि एक मिनट से भी कम टाइम लगता है और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सिर्फ एक मिनट का ही वक्त लगेगा, एक मिनट से भी कम का वक्त लगेगा, वहां पर वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर आपका एडसेंस पिन जो है एडसेंस की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा। और जो आपका एडसेंस पिन आपके घर पर सेंड किया गया है उस एडसेंस पिन को आप एडसेंस में डालकर अपना एड्रेस भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो ईमेल से आपने जिस ईमेल आईडी से आपने अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। अब जिस ईमेल आईडी से आपने अपना एडसेंस क्रिएट किया है उस पर आपको एक ईमेल मिला होगा आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का। तो चलिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफिकेशन सबसे पहले चलते हैं उस मेल पर जहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए हमें मैसेज मिला है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है, गूगल पेमेंट्स की तरफ से एक मेल आया हुआ है और यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी कि अब हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करने की जरूरत है। तो देखिए, आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले इस मेल पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब चलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही ऐसा इंटरफेस आता है स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसके कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब जस्ट स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको एक वेरीफाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा होगा। जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई नाउ, जस्ट जो यहाँ पर आपको वेरीफाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वेरीफाई नाउ वाले बटन पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे सामने यह पेज रनिंग लेगा और एडसेंस के डायरेक्ट पेज पर ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है और यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले आपका जो पब्लिशर आईडी होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एडसेंस पब्लिशर आईडी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ सब्सक्रिप्शन, पेमेंट्स मेथड, एड्रेस और सेटिंग का बटन आपको दिखाई देता है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर आपको ऊपर में एक देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का यानी कि जो घंटी का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चलिए मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो घंटी का बटन आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 critical alert, यानी कि एक मैसेज आया हुआ है। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपके सामने जो भी मैसेज आया होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक करता हूँ तो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन वाला पेज आ चुका है अलर्ट, यहाँ पर वेरीफाई योर आइडेंटिटी लिखा हुआ है। तो जस्ट आपको वेरीफाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे एक नया पेज रनिंग लेगा, आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है, ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर आइडेंटिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करना है। चलिए स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप इसे आसे से रीड कर लीजिए, लिखा हुआ है यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम गूगल एडसेंस। अब जस्ट स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर बेगिन वेरीफिकेशन वाला जो बटन दिया गया है ना, इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बेगिन वेरिफिकेशन पर क्लिक करते ही एक नया पेज रनिंग लेगा, यहाँ पर आपके सामने ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यहाँ पर आपको पर्सनल आइडेंटिटी यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी कि सबसे पहले आपको अपना लीगल नाम यहाँ पर डाल देना है। तो जिस तरह से आपके पैन कार्ड पर नाम है वही नाम आपको यहाँ पर सेम टू सेम नाम डाल देना है। अगर वहाँ पर जिस तरह से आपका नाम है सेम वही नाम डालना है, अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो आपका जो वेरीफिकेशन है वो प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका एडसेंस पिन भी आपके घर पर नहीं पहुँच पाएगा और इसमें आपको दिक्कत जाएगी, आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल कर दिया जाएगा। अब अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो फ्रेंड्स आपको सावधानी से यहाँ पर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर चलिए, लेकिन इसके लिए देखिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो देखिए, सबसे पहले आपका अगर इंडिया का कोई भी पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो आधार कार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पर अगर आप आधार कार्ड डाल देते हो तो आपका जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आधार कार्ड कभी भी अपलोड ना करें, गलती से भी आधार कार्ड आपको अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपको जो ऊपर 4 ऑप्शन दिया गया है ना,
इसी चार ऑप्शन में से किसी भी एक का, अगर कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो इन्हीं चारों में से कोई एक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया का पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ही आप लगा सकते हैं। यही चारों डॉक्यूमेंट लगाए, आप आधार कार्ड का कभी भी प्रयोग ना करें। अगर आप आधार कार्ड लगाएंगे तो आपका जो है आइडेंटिटी, आपका एडिशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपका पास पैन कार्ड है तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपलोड डॉक्यूमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपलोड डॉक्यूमेंट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने फाइल्स आ जाएंगी, कैमरा और फाइल दोनों आ जाएंगे। तो चलिए, आपको अपने यहाँ पर अगर कैमरा से इमेज कैप्चर करना है तो आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, और डॉक्यूमेंट अगर आपने पहले से अपने मोबाइल में रखा है तो आप यहाँ पर अपना गैलरी ओपन करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपने गैलरी से उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करता हूँ। मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट किया हूँ, तो सिंपली मैं पैन कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मेरा जो पैन कार्ड का इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा इमेज अपलोड होगा, जो भी फाइल होगा आपका, अगर कैमरा से खींचा होगा या फिर स्क्रीनशॉट है, जो भी फाइल होगा उसका यहाँ पर फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, पैन कार्ड का इमेज। अब यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है कि फाइल को अपलोड होते ही यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट का जो बटन आपको दिया गया है, जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो एड्रेस का बटन दिखाई दे रहा है, जस्ट आपको एड्रेस वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एड्रेस वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब जस्ट फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रीट एड्रेस देना है, उसके बाद एप्टीट्यूड और लैंग्टीट्यूड दो भी आपको पता है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शनल है उसको डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में आप कुछ भी नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, इसमें भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर टाउन और सिटी, यानी कि जो भी शहर है, आप यहाँ पर शहर का नाम डाल देंगे या फिर अपने जिला का नाम डाल देंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, फिर स्टेट डालेंगे और स्क्रॉल करेंगे और सबमिट वाला जो बटन दिया गया है, जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, सारी चीज़ें मैं फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने नया पेज रनिंग लेगा और आपके सामने फाइनल पेज आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गॉट इट, यानी कि जो मेरा एड्रेस है वो सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर वेरीफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, यानी कि जो वेरीफिकेशन है वो प्रोग्रेस में है। यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है द प्रोसेस में टेक ए फ्यू डेज, वी विल ईमेल यू द रिजल्ट। यानी कि अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा या फिर जो भी रिजल्ट होगा वो आपको ईमेल में बता देंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ यू आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यू विल नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट अगेन। यानी कि अगर आपका वेरिफिकेशन अगर अनेबल हो जाता है, यानी कि किसी भी वजह से फेल हो जाता है, तो आपको दोबारा से वेरीफिकेशन करने का मौका मिलेगा। यू हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि एक लिमिटेड टाइम रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक लिमिट समय दिया जाता है, यानी कि सीमित समय रहता है इसका आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करना होता है। तो अब चलिए, आपको यहाँ पर पढ़ लेने के बाद उसके बाद क्या करना है कि गॉट इट का जो बटन दिया गया है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फ्रेंड्स यहाँ पर गॉट इट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज रनिंग लगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अलर्ट वेरीफाई योर आइडेंटिटी। में देखिए, यहाँ पर जूम करता हूँ तो देखिए लिखा हुआ है योर आइडेंटिटी वेरीफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज़ अलाउ ए फ्यू डेज फॉर वेरीफिकेशन। यानी कि आइडेंटिटी वेरीफिकेशन जो है वो प्रोग्रेस में है, इसमें कुछ दिन लग सकता है आपको, बट यहाँ पर अभी डिजिटल इंडिया हो चुका है और पूरा दुनिया डिजिटल चल रहा है, इसलिए यहाँ पर वेरीफिकेशन में अब ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5:38 हो रहे हैं और 5:38 हुआ है अभी, और यहाँ पर जस्ट देखिएगा 5:39 टाइम हो चुका है। अब चलिए, यहाँ पर मुझे 5:39 हो चुका है टाइम, और क्या यार, यहाँ पर फाइनली मेरे पास एडिशंस की तरफ से मेल भी आ चुका है, लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। चलिए, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग टाइम ही देख सकते हो, 5:39 हो रहा है और यहाँ पर 5:39 में ही मेरे पास मेल आ चुका है, लिखा हुआ है योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन टू योर गूगल एडिशंस अकाउंट। तो चलिए, सबसे पहले अब मैं अपने गूगल एडिशंस अकाउंट में साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन है वो सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वो आप एडिशंस में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेल आ चुका है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब जस्ट मैं यहाँ पर एडिशंस अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जैसे ही लॉग इन कर लेते हैं
एडसेंस अकाउंट में आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का बटन दिया गया है यानी कि घंटी का बटन, जस्ट आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि योर पेमेंट प्रोफाइल इज अपीयर हियर, यानी कि मेरा जो पेमेंट प्रोफाइल है वो अब तैयार हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो चुका है। अब बस इंतजार है तो एडसेंस पिन की कि गूगल एडसेंस पिन मेरे एड्रेस पर कब सेंड किया जाता है और उस एडसेंस पिन को डालकर आप अपना एड्रेस भी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सीख चुके हैं कि एडसेंस में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है। एडसेंस में आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं होता है। जब आप वहाँ पर अपने आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो तो वहाँ पर आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं होता है। वहाँ पर आपको वहाँ पर कन्फर्म लिखा हुआ रहता है कि आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। वहाँ पर आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना होता है, वहाँ पर आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वहाँ पर अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपका जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल। कभी कभी इसमें 24 से 72 घंटे का भी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे तो वो कंप्लीट, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक मिनट के अंदर अंदर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को संडे को या फिर सैटरडे को करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, वहां पर वेरिफिकेशन में कुछ टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप सैटरडे या संडे को छोड़ के आप मंडे या फिर फ्राइडे को आसानी से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं और एक मिनट के अंदर अंदर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हर कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।